हेलो स्टूडेंट्स, तो एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की रैखिक गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। ठीक है, हालांकि पिछली बार यानी 19 में आपको एक डेरिवेशन पूछा जा चुका है जिसमें चालक छड़ की आपको घूर्णन गति, कोणीय गति के कारण क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार हो सकता है कि रेखी गति के कारण क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम मान रहे हैं इस बार इसे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को आपने यहाँ इस बार क्रॉस के निशान से ये दर्शा दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर ऐसा मान रहे हो कि कोई चालक छड़ जिसे आप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये जो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम इस तरीके से दर्शा रहे हैं ऊपर दिखाकर, तो ये यहां पर स्मॉल एल लंबाई की एक चालक छड़ है जिसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत वी वेग से गतिशील करवा रहे हैं। ठीक है, अब आप अच्छी तरह जानते हो कि चालक में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब आप किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील करोगे तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गतिशील होंगे, और हमारे पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो एक लोरेंज बल का कॉन्सेप्ट और उसके लिए पूरे वीडियो दिए हुए हैं। तो अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो उस पर एक लोरेंज बल लगता है जिसका फॉर्मूला है एफ बराबर क्यू वी सदिश क्रॉस बी सदिश। ये लोरेंज बल है, इसके लिए आप यहाँ पर लगाओगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो जनरली जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी में मान लो, मध्यमा यहाँ वेग की दिशा में, तो अंगूठा रहा है यहाँ बाहर की ओर। ठीक है, तो अगर चालक छड़ को आप इस तरीके से मानते हो तो अंदर वाला सिरा आप ए मान सकते हो और बाहर वाला सिरा आप बी मान सकते हो। तो यहाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार देखा जाए तो ए बिंदु पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन पर एक धक्का लग रहा है जिससे वो सारे ए सिरे से चलकर बी सिरे तक आ रहे हैं। अब आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा होगा कि जिस जगह से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी धनावेश, और जहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि ऋणावेश। तो इस लोरेंज बल के कारण इलेक्ट्रॉन विस्थापित होना चालू होंगे, कुछ समय में क्या होगा, एक सिरे पर धनावेश और एक पर ऋणावेश, जिससे दोनों सिरों के मध्य विद्युत क्षेत्र और उत्पन्न हो जाएगा। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये माइनस सिरा इस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी उसे वहीं रोकने का प्रयास करेगा। तो आपने यहाँ जैसे ये यहाँ लोरेंज बल की दिशा आ गई नीचे की ओर, तो यहाँ विद्युत बल की दिशा आ गई ऊपर की ओर। तो यहाँ आप विद्युत बल का फॉर्मूला लिखोगे एफ ई बराबर क्यू ई। अब अगर लोरेंज बल नीचे की ओर है, विद्युत बल ऊपर की ओर है, जैसे ही किसी एक स्थिति पर दोनों बल आपस में बराबर हो गए तो फिर इलेक्ट्रॉनों का आना रुक जाएगा। तो उस अवस्था को आप यहाँ बोल सकते हो संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था पर, तो जैसे इलेक्ट्रॉनों का आना रुक जाएगा तो संतुलन की अवस्था पर दोनों का मान यहाँ पर इक्वल, तो एफ ई का मान आपके सामने लिखा हुआ है क्यू ई, लोरेंज बल है क्यू वी सदिश क्रॉस बी सदिश। ठीक है, आवेश क्यू लिख दो या इलेक्ट्रॉन का आवेश ई लिख दो, लेकिन दोनों पर इक्वल होने की वजह से कैंसिल। जैसे ही आप दोनों सदिशों के बीच में सदिश गुणनफल खोलोगे तो मान आएगा वी बी साइन थीटा। अब डायग्राम में आपके सामने जो मुख्य कंडीशन है कि चुंबकीय क्षेत्र और वेग की दिशा परस्पर लंबवत होगी तो ही चालक छड़ के सिरों पर यहाँ विभांतर उत्पन्न होगा, और उसी विभांतर को आप यहाँ विद्युत वाहक बल कहोगे। तो अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही मान लो इस चालक छड़ को चलाया जाए, अगर इस कोण का मान 90 डिग्री की जगह 0 डिग्री हो तो इसके बीच में कोई विभांतर उत्पन्न नहीं होगा। तो जैसे ही आप यहाँ 90 डिग्री की कंडीशन रखोगे तो E बराबर वी बी साइन 90 डिग्री,
ठीक है, तो ये मैक्सिमम कंडीशन में माना जाएगा वी बी। फिर यहाँ विद्युत क्षेत्र को अगर आप विभांतर में कन्वर्ट करोगे तो आप फॉर्मूला लगाओगे विद्युत क्षेत्र एवं विभांतर में संबंध से, तो फॉर्मूला आ जाएगा ई बराबर वी बटा एल, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच की जो दूरी है इस बार आपने चालक छड़ की लंबाई एल दर्शा रखी है, तो ई की जगह आप लिखोगे वी, यहाँ विभांतर है और बराबर में सामने जो वी है जिसे थोड़ा सा मोड़ रखा है ये यहाँ पर वेग है, तो वी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा वी बी एल। तो स्टार्टिंग में यही पॉइंट आता है कि जब आप किसी चालक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिशील करवाते हो तो चालक छड़ के सिरों के मध्य एक विभांतर उत्पन्न होता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ प्लस माइनस बना हुआ, इस विभांतर को ही आप बोलते हो यहाँ विद्युत वाहक बल। तो यहाँ वी का मान आ चुका है और आप लिखोगे कि जो आपने परिभाषा लिखी है जो लैंग्वेज लिखी है उसमें विभांतर को ही आपने कहा है ई विद्युत वाहक बल, तो फाइनली फॉर्मूला जाएगा ई बराबर वी बी एल। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी यही है कि अगर आप किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील करवाते हो तो ही चालक छड़ के सिरों पर यह विभांतर उत्पन्न होगा। अगर यहाँ आपको प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला आ जाएगा आई बराबर ई बटा आर, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा वी बी एल बटा आर। तो ये यहाँ एक चालक छड़ की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रैखिक गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है। इस पर आपको एनसीईआरटी हो या आरबीएसई बोर्ड हो उसमें 100% अंकित मिलेगा, लेकिन उसमें आपको इसी कंडीशन में उलझाया जाएगा कि चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चलाया जा रहा है, तो उस स्थिति में आपको विद्युत वाहक बल को सीधा ही जीरो करना है। लंबवत चलाते हो तो वेग, चुंबकीय क्षेत्र और उस छड़ की जो भी लेंथ है उनको गुणा करके आप सीधे ही विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर लोगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, सिंपल प्रोसीजर है, थोड़ी जो लिखावट है वो भी आपको नोट्स में ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इन वीडियो के साथ लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जहाँ से आप नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो।